गाइस आप देख रहे हैं, मैं अभी फिलहाल जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है मैं वहाँ पे आया हूँ। और आप लोग अच्छा से देख रहे होंगे कि लैंडस्लाइड किस तरह से हुआ है और गाड़ी का लाइन आप देखिए अच्छा से कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है पूरा। और गाइस आप देख रहे हैं कि मतलब बारिश में भी काम चल रहा है पूरा अच्छा से रोड क्लीनिंग का, कि मतलब सब गाड़ी अच्छा से जा पाए। और ये देखिए अभी का मौसम कैसा है, अब देख ही रहे होंगे कि पूरा फॉगी फॉगी है। अब दूर दूर तक कुछ दिखेगा नहीं, खाली बादल ही बादल दिखेगा आपको, ठीक है ना। और ये देखिए हमारा नदी का कंडीशन, कितना पानी है नदी में, कितना स्पीड में पानी जा रहा है। आप जो ये जाम देख रहे हो, ये सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाने वाला रोड है और ये जाम इसीलिए लगा है कि सिक्किम में जो पहाड़ होते हैं उसमें बारिश के टाइम में बहुत बड़ा बड़ा लैंडस्लाइड होता है, उसके कारण रोड डैमेज हो जाता है और उसके लिए ये जाम लगा हुआ है। देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है। अब चढ़ तो जाएंगे सिलीगुड़ी में, बट कब पहुंचेंगे कोई पता नहीं, कब कुछ पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो गाइस सिक्किम में बारिश ये तो आम बात है, आपको भी पता है, और बारिश ऐसे तो नॉर्मल होता ही है सब जगह में, बट सिक्किम में जब बारिश होता है तो लैंडस्लाइड होता है, जैसे कि रास्ता होता है रोड होता है तो रोड के ऊपर से पत्थर वगैरह स्लाइड होके गिर जाता है तो रोड ब्लॉक हो जाता है, रोड का आधा हिस्सा या पूरा हिस्सा ही मतलब वो नदी में चला जाता है, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है बारिश। तो आज 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार है। तो भाई आज अभी मैंने जब रास्ते के पास रोड के पास गया, मेरा रूम तो रोड के आसपास ही है, बहुत ही जैम लगा हुआ है काफ़ी टाइम से। तो मैं जब देखा सही से और पता किया कि लैंडस्लाइड हुआ है एक जगह में, रोड ब्लॉक हो गया, तो इसके लिए पूरा लाइन जाम है, बहुत ही जाम है। और कल रात से इतना तेज़ बारिश हो रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। 20 से 25 तारीख के अंदर जो लोग प्लान कर रहे हो गैंगटॉक आने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दो चार दिन 20-25 तारीख के बाद ही सिक्किम आने का प्लान कीजिए। और बस रोड तो ख़राब है, ठीक हो जाएगा क्योंकि सिक्किम गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ही फास्ट होता है वो काम, रोड क्लीनिंग करना तुरंत तो हो जाएगा, या दो दिन लगेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर बड़ा है, ज़्यादा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट छोटे मोटे होता है तो उसमें तुरंत हो जाता है, तुरंत काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, मैं देख के आया हूँ और आप वीडियो में भी देख लोगे। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब सिक्किम में बारिश होता है वेदर पूरा बादल से भरा हुआ रहता है, आपको क्लियरली दूर दूर तक कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर आप उस टाइम टूर करोगे, प्लान करोगे, एक तो आप सही से कुछ देख नहीं पाओगे क्योंकि सब बादल से घिरा हुआ रहेगा, तो आपको क्लियरली कुछ दूर दूर तक दिखेगा नहीं, तो फोटो भी खींच नहीं पाएंगे सही से और आपको देखने का मज़ा भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्या होता है कि आपको दूर तक जाने का एंट्री भी मतलब परमिशन भी नहीं मिलेगा। हाँ आप छांगू तक जा सकते हैं, या उसके बाद अगर नाथुला पास चाइना बॉर्डर तक जाना है तो वहाँ पे आपको रोका देगा, तो इधर ख़राब है ये वो है, तो आपको हर जगह में प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब बहुत रिस्की है। अगर 3-4 दिन वेट कर लेते हैं, अभी वेदर का मौसम मतलब वेदर बहुत ही ख़राब है। तो गाइस या अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं डेली कोशिश करूँगा कि वेदर अपडेट देने के लिए आपको, ठीक है ना, आपको वेदर अपडेट दूंगा तो आपको पता चलेगा कि अभी का सिक्किम में वेदर क्या है और कंडीशन क्या है। अगर वेदर मौसम साफ है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर वेदर ख़राब है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रख के रखिए और साथ में बेल आइकन दबा के रखिए, तो मैं जब भी अपडेट करूँगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और जब लैंडस्लाइड होता है ना गाइस, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टूरिस्ट लोगों को, क्योंकि अगर ऐसे लैंडस्लाइड होगा ना तो
जो लोग दूर दूर से आ रहा है जैसे सिलीगुड़ी वगैरह से आ रहा है तो उन लोग बीच रास्ता में फंस जाएगा और कब तक पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे रास्ता में 2 से 3 घंटा 4 घंटा तक ऐसे जाम लगा रहता है, क्योंकि सिंगल रोड है इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है उन लोगों को और बहुत ही सारा प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि एक आंटी ने पूछा कि भाई पानी का कोई दुकान है कि पानी पीने के लिए मिले, तो देखिए ये जब सुना ना मैंने बहुत ही दुख पहुंचा मुझे, क्योंकि मैं अगर पानी का कुछ लेके जाता, पानी का बोतल या कुछ, तो शायद ही मैं दे सकता और मुझे भी अच्छा लगता, बट मैं वो सोचा नहीं था कि शायद ही किसी को इतना प्रॉब्लम होगा। इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब गाड़ी का लाइन लगा हुआ था और मतलब सबका चेहरा पर एक मतलब वो टेंशन दिख रहा था, देख के बहुत ही बुरा लग रहा था। आपको ये प्रॉब्लम फेस ना कर पड़े, आपको प्रॉब्लम में ना फंसे, आप इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सेफ आए और आपका जर्नी अच्छा रहे, ठीक है ना। और गाइस लैंडस्लाइड हुआ है 20 माइल बोल के एक जगह है, वहाँ से थोड़ा सा आगे और वहाँ से गैंगटॉक आपका लगभग 2 से 2.5 घंटा दूर है, ठीक है ना। और शायद ही खुल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना तक उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही फास्ट काम करते हैं सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका प्रॉब्लम तो नहीं है, आप पहुंच जाएंगे गैंगटॉक तक। बट अब टूर का आपको मज़ा उतना नहीं आएगा जो मतलब क्लियर वेदर में आता है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ अपना रूम के आसपास का नज़ारा, आप देख के थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि अभी का वेदर क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अभी का वेदर कैसा है। बहुत ही बादल बादल से भरा हुआ है पूरा, आपको ज़्यादा दूर तक दिखेगा नहीं, ठीक है ना। और आपको सब जगह में जाने के लिए पास नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और गाइस अभी का जो ये वेदर है लगता तो नहीं है बहुत जल्दी छोड़ने वाला है, क्योंकि काल से इतना तेज से बारिश चल रहा है और रुकने का नाम ही नहीं है कुछ। और ये वेदर जब तक क्लियर नहीं होगा आप आके या कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो मैंने डेली का एक वीडियो अपलोड करूँगा इस वेदर अपडेट के ऊपर, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि वेदर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।